हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार जोहार। मेरा नाम शंकर कुमार साहू और आज मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का जो दर्द नाशक ऑयल है उसका प्रयोग कैसे करना है और उसमें खासियत क्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का जो दर्द नाशक ऑयल है वो दो प्रकार के डब्बे में आता है। पहला डब्बा 100 ml का आता है, जो हमारे हाथों में है, आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से। और दूसरा जो डब्बा आता है वो आपका आता है 50 ml का। दोनों का तेल का क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है, इसके लिए कभी अगर आपको मिले न छोटा डब्बा या बड़ा डब्बा या दोनों एक साथ देखने को मिले तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये डुप्लीकेट तेल है एक और एक ओरिजिनल है। सबसे पहला कन्फ्यूजन इसको आप लोगों को आज इस वीडियो को देखने के बाद हटा लीजिएगा। दूसरा जो तेल है, इस तेल के अंदर 11 देसी जड़ी बूटी, मतलब जो गांव घर में जड़ी बूटी मिलता है उसके द्वारा मिला करके ये बनाया गया है। ये दर्द नाशक तेल का अगर मैं तारीफ करूं तो जितना करूं उतना कम है। अगर मैं यहां अभी खोलता हूं तो लगभग 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 100 फीट दूरी तक इस तेल का सेंट चला जाता है। अगर किसी का माथे में दर्द हो रहा है तो इस तेल को केवल आप हाथ में ले करके इस प्रकार से अगर आप सेंट केवल ले लेते हैं तो माथा का दर्द इसका तुरंत जो है रिलीफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से आप ही के टाइम में काफ़ी लोगों का कमर का दर्द, घुटना का दर्द और रीढ़ का हड्डी में जकड़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पैर में ब्लड सर्कुलेशन कम होने के वजह से काफ़ी लोगों का झिनझिनाहट और लहर और कनकनी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैसे लोगों के लिए ये दर्द नाशक ऑयल जो है सो रामबाण एक इलाज है, ठीक है। तो जब आप इसको मालिश करें तो कभी भी मालिश करने का एक नियम मैं बताता हूँ। और साथ ही साथ अगर यदि आपके पास ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का ये पंच तुलसी ड्रॉप है तो आप इसका पीते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर इसका पता होगा कि कितना जो है फायदेमंद ये पंच तुलसी है, ठीक है। तो ये तेल और ये तुलसी अगर आपके पास दोनों चीज़ उपलब्ध है तो दोनों चीज़ का मिला करके इस तुलसी को 8 से 10 बूंद केवल डालना है, बाकी ये तेल जितना लगेगा ज़रूरत है उतना डालना है। और दोनों को मिला करके अगर आप मालिश करेंगे तो कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना भी दर्द होगा तो उस दर्द को पूरा जड़ से ठीक करने में ये दर्द नाशक तेल सक्षम है। इसका नाम ही है दर्द नाशक, मतलब दर्द को पूरी तरीके से नाश और ख़त्म कर देता है। जब आप इसको मालिश करते हैं तो ये तेल करता क्या है आपके बॉडी में, तो ये तेल का काम है कि आपके शरीर के अंदर में जो 10,000 से प्लस नसें हैं उसमें से जिस स्थान पे आप मालिश करेंगे उस स्थान के नसों के अंदर में जो खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से नस बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या बहुत लोग को स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ का हड्डी में बहुत लोग का नस दब गया है, चप गया है, जिसके वजह से साइटिका का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से हो रहा है, पैर जो है बहुत ज़्यादा लूंज होने का समस्या बढ़ रहा है, झिनझिनाहट होता है, सूनापन हो जाता है, काफ़ी लोग कुछ दूर तक जाते हैं और चप्पल उनका पैर से खुल करके और निकल जाता है, कब उनको पता भी नहीं चलता है। तो वैसे लोग इस तेल को मालिश ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर यदि दिन में 4 बार मालिश करेंगे तो 20 साल 25 साल पुराना दर्द को भी जड़ से ख़त्म करने में ये दर्द नाशक तेल बहुत तेज सक्षम है। तो इसको मालिश करने का नियम है कि जिस स्थान पे दर्द है उस स्थान पे इस दर्द नाशक तेल को मिला लेना है। जैसे अगर हमारा हाथ में दर्द होता तो यहाँ पर इस तेल को मैं अंदर का डब्बा में दिखा देता हूँ, इस प्रकार का ये तेल का डब्बा होता है और इसका पहले इस प्रकार से खोलना है, फिर इसके अंदर होल करना है, मैं होल करके रखा हुआ हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा दर्द है तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से तेल ले लेता हूँ और इस प्रकार से ये 5 तुलसी ले लेता हूँ, दोनों को मैं बढ़िया से मिला लेता हूँ। और मिलाने के बाद बढ़िया से मिला लिया उसके बाद नीचे करना है इस प्रकार से। कहीं पे भी मालिश करेंगे, अगर आप पैर में है या गर्दन में दर्द है यहाँ पे मिला लीजिए और ऐसे नीचे अगर आप करते हैं तो दर्द आपका बहुत कम टाइम में जड़ से ठीक होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और पिछला वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया
इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और आप लोग, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और जय हिंद, जय भारत।